हेलो एंड वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ मूंग दाल चीला की रेसिपी। ये रेसिपी स्टफ्ड मूंग दाल चीला बनाने के लिए है, लेकिन इसी तरह से हम प्लेन मूंग दाल चीला भी बना सकते हैं। मूंग दाल चीला बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, चाहे तो इसे इवनिंग में स्नैक के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मूंग दाल चीले का बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल 1 कप, अदरक 1/4 चम्मच घिसा हुआ, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, बेकिंग सोडा 1 चुटकी और लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए प्याज 1 बारीक कटा हुआ, हरी मिर्ची 1 बारीक कटा हुआ, मशरूम 1/4 कप बारीक कटा हुआ, पनीर 1/2 कप ग्रेट किया हुआ, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, तेल 1 चम्मच और थोड़ा सा तेल चीले को सेकने के लिए। सबसे पहले हम मूंग दाल को अच्छी तरह से धोकर उसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देते हैं। अब भीगी हुई मूंग दाल का हम मिक्सर या ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाते टाइम पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत गाढ़ा लगता है तो आप उसमें 1 या 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब मूंग दाल चीला बनाने के लिए तैयार है। इसे हम एक तरफ रख लेंगे और सब्जियों को बारीक काट करके हम स्टफिंग के लिए तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मशरूम, प्याज और हरी मिर्च को बारीक काट कर रख लिया है, साथ ही थोड़ा सा अदरक घिस कर रख लिया है, लगभग 1/2 चम्मच। इसमें से 1/2 अदरक मूंग दाल के बैटर में और 1/2 अदरक हम स्टफिंग में यूज करेंगे। अब एक पैन में 1 चम्मच तेल गर्म कर लेते हैं। तेल जब मीडियम गर्म हो जाता है तो हम उसमें डालते हैं जीरा। जीरे को थोड़ा भूनकर उसमें कटा हुआ प्याज डाल लेते हैं, साथ ही हम घिसा हुआ अदरक मिला लेंगे और प्याज को हम हल्का गोल्डन होने तक फ्राई होने देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं और अब हम डालते हैं इसमें कटा हुआ मशरूम और हरी मिर्च। सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिलाकर हम पकने के लिए रख देते हैं। साथ ही इसमें डाल लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 3 से 4 मिनट में सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक जाती हैं और सॉफ्ट पक जाती हैं। मीडियम फ्लेम्स पर हम सब्जियों को पकने देते हैं। जब सब्जियां अच्छी तरह पक जाती हैं तो हम उसमें 1/2 कप पनीर जो कि ग्रेट किया हुआ है उसे मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा मैंगो पाउडर, लगभग 1/4 चम्मच और इसे अच्छी तरह से हम इस स्टफिंग में मिला लेते हैं। अब ये स्टफिंग तैयार है, इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। अब हम मूंग दाल चीला बनाने के लिए बैटर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए पिसी हुई मूंग दाल में हम मिलाते हैं घिसा हुआ अदरक, 1 पिंच बेकिंग सोडा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और चाहे तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दें। अगर बहुत तीखा पसंद नहीं करते हैं तो आप बैटर में लाल मिर्च पाउडर ना डालें। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बैटर बनाते टाइम हम ध्यान रखें कि उसकी कंसिस्टेंसी डोसा बैटर जैसी होनी चाहिए। अगर बैटर बहुत गाढ़ा लगता है तो उसे पानी मिला करके हम कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं और अगर पतला लगता है तो उसमें सूजी मिला सकते हैं। अब एक नॉनस्टिक तवा गरम कर लें और उस पर बहुत थोड़ा सा तेल डाल दें। तेल को अच्छी तरह से तवे पर फैला लें और अब जिस तरह से डोसा बनाते हैं उसी तरह से हम मूंग दाल का बैटर तवे पर फैला लेंगे। इसे इस तरह से हम फैला लेते हैं। मूंग दाल का चीला थोड़ा सा थिक होता है, अब इसे मीडियम फ्लेम्स पर अच्छी तरह से सिकने दें।
आप देख सकते हैं कि इसका जो ऊपर का सरफेस है उसका कलर चेंज होने लगा है। बहुत थोड़ा सा तेल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। चीला जब नीचे से पक जाता है उस पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने लगता है, तो इसे पलट दें और दूसरी तरफ से भी सेक लें। अगर आप प्लेन मूंग दाल का चीला बना रहे हैं तो अब चीला तैयार है, और अगर स्टफ्ड मूंग दाल चीला बना रहे हैं तो अब इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग तैयार की है उसे रख दें और इसे दोनों तरफ से फोल्ड कर दें जिससे कि स्टफिंग इसके अंदर सील हो जाए। और अब स्टफ्ड मूंग दाल चीला तैयार है। इस स्टफ्ड मूंग दाल चीले को आप धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी या टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज गिव इट अ ट्राई, लीव योर कॉमेंट डाउन, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक्स अ लॉट।